हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तम शुगर मिल्स स्टॉक के बारे में, और हम इस स्टॉक में जानेंगे क्या क्या लेवल्स खरीदारी के हो सकते हैं, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक में ट्रेंड की। तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो आप देख पा रहे हैं, साइडवेज ट्रेंड है। आप खुद से देख रहे हैं साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या है उसकी स्थिति में बात करूंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं कि स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको ट्रेंड लाइन डाली है। वहीं अगर मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात भी करूंगा, यहां आपके लिए एक रेजिस्टेंस डालता हूं। स्टॉक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो लगभग ये है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। और एक सपोर्ट की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में जो स्टॉक का सपोर्ट है वो यहाँ पे लेकर के स्टॉक चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट है स्टॉक का 285, रेजिस्टेंस है 310 रुपए। तो अब क्या होना चाहिए स्टॉक में, अगर आप मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक मूविंग एवरेज के हिसाब से मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है। अब देखते हैं क्या स्टॉक संभल पाएगा या नहीं संभल पाएगा। आरएसआई में आप देखेंगे आरएसआई पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड है आरएसआई के हिसाब से। तो अभी इसमें क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊं आपसे। तो फ्रेंड्स, स्टॉक एक पैटर्न बना रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, 1 मिनट, सॉरी, मैं इस सपोर्ट को आपके लिए हटा देता हूं फिलहाल, क्योंकि अगर हम पैटर्न बना रहे हैं तो सपोर्ट का कोई वो नहीं है। यहां से स्टॉक नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है। यहां बिल्कुल सपोर्ट नहीं लेगा। स्टॉक की संभावना है कि स्टॉक यहाँ आए, देन आपको रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट, यहाँ नीचे आए और फिर आपको रेजिस्टेंस क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, स्टॉक इसके नजदीक आएगा, यानी कि इसको टच करने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। इतनी जल्दी से तेजी से भागेगा नहीं, इसको टच करने आएगा और तब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और देन रिटेस्ट करता है। तो ये जो 310 रुपए का लेवल है इसको स्टॉक ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओ सॉरी, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। अच्छे खासे टारगेट हो सकते हैं, मैं टारगेट की भी बात करूंगा, क्या टारगेट्स हो सकते हैं। पहला तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस खड़ा है लगभग 340 पर, पहला टारगेट तो यही होने वाला है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक तो नहीं है। हाँ, आया तो है निकल के, यही तो है। अगला जो आपके लिए रेजिस्टेंस होगा वो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लगभग 450 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, 430 रुपए तक के। तो फ्रेंड्स, जो लेवल्स बताए हैं उनको ध्यान में रखें और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।